हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं जिनके भी पैरों के तलवों में बहुत दर्द होता है और कई लोगों के पैरों के तलवों में जलन भी बहुत ज्यादा होती है, तो जानते हैं कि इसके पीछे कारण क्या होते हैं। अगर आप इसके कारणों को समझ जाएंगे तो आप इसका इलाज भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। जिनके शरीर के अंदर इन 5 चीजों की कमी हो जाती है, उनके अंदर पैरों के तलवों में दर्द हो सकता है, जलन हो सकता है, पूरे पैर में दर्द हो सकता है, टांगों में दर्द हो सकता है। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, और ये 5 चीजें क्या हैं जान लेते हैं। सबसे पहले तो शरीर में कैल्शियम की कमी है ये कारण पैरों के तलवों में दर्द होने का, शरीर में पोटेशियम की कमी, शरीर में आयरन की कमी, शरीर में वात बढ़ने के कारण और बहुत कम पानी पीने व सोडियम का ज्यादा सेवन करने के कारण। तो फ्रेंड्स, इन 5 चीजों के कारण शरीर में पैरों के तलवों में दर्द होने की समस्या होती है। अब हम इन 5 चीजों की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक बात जानना बहुत जरूरी है कि जितना हो सके आप पानी पीजिए। अब गर्मियां चल रही हैं तो जितना हो सके पानी पीजिए, क्योंकि बहुत कम पानी पीने से भी पैरों के तलवों में जलन होती है। तो अब जान लेते हैं कि शरीर से अगर वात पड़ी हुई है तो उसको दूर करने के उपाय। तो उसके लिए गिलोय का जूस आपने पीना है। गिलोय का जूस पीने से शरीर में होने वाला जितना भी दर्द है वह दूर हो जाता है। शरीर में कहीं भी हड्डी का दर्द हो दूर होगा। आपको शरीर से वात को दूर करने के लिए इसका सेवन करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही आपने खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना, और जितनी भी खट्टी चीजें हैं वो रात के समय नहीं खानी है। वायु बढ़ाने वाली चीजों का नहीं सेवन करना है, जैसे आलू, चावल, भिंडी, अरबी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, इनका सेवन कम से कम करें, क्योंकि ये सारी चीजें शरीर में वायु को बढ़ा देती हैं। और सफेद चने को बनाने के 2 घंटे के बाद इसका सेवन ना करें, यानी कि ताजे ही खाएं, क्योंकि उसमें वायु बढ़ जाती है। साथ ही मटर भी ना खाएं। तो फ्रेंड्स, शरीर में कैल्शियम की कमी को कैसे पूरा करें, इसके लिए आप इस्तेमाल करें रागी और तिल का। ये चीजें बहुत ज्यादा कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन से भरी होती हैं। आप रागी को हल्का सा भूनकर उसका पाउडर बना लीजिए, और फिर इसे रोजाना थोड़े से आटे में मिक्स कर सकते हैं। रागी भी एक तरह का होल ग्रेन ही होता है। या फिर आप 1 गिलास दूध ले लीजिए और उसके अंदर 1 चम्मच रागी का पाउडर मिक्स करके पी लीजिए। इसका सेवन आपको रोज रात को सोते समय करना है। और ऐसे ही आप रात को सोते समय 1 चम्मच तिल भिगो कर रख दीजिए, और सुबह उन तिलों को चबा चबा कर खा लीजिए पानी के साथ ही। इस तरह से आपके शरीर में कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, इन सब चीजों की कमी पूरी होगी, जो कि कारण बनते हैं पैरों के तलवों के दर्द का। और अब पोटेशियम की कमी को कैसे पूरा करें। पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए आपको पोटेशियम रिच फ्रूट्स खाने होंगे, फूड्स खाने होंगे, ऐसी चीजों का सेवन करना होगा जिसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में हो। तो सबसे और साथ ही पोटेशियम को बढ़ाने के लिए हमें सोडियम की मात्रा को कम करना होगा, यानी कि नमक का सेवन कम करना है। इसके अलावा आप नारियल पानी ले सकते हैं, तरबूज ले सकते हैं, चुकंदर का जूस पीजिए, केला, शकरकंद, इनका सेवन कीजिए। इनमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है। पोटेशियम एक ऐसी चीज है जो ना केवल हमारी मसल्स के दर्द को दूर करती है, बल्कि हमें हार्ट अटैक आदि बीमारियों से भी बचा कर रखती है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी पैरों के तलवों में दर्द, पैरों के तलवों में सूजन या जलन होने के कारण और उनको दूर करने के घरेलू उपायों के बारे में। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू।